हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एफईए का बुक फोर मॉड्यूल नाइन डे टू। टॉपिक क्या नाम है? टॉपिक का नाम है मेज रीडर। ठीक है, तो आपका ये है टॉपिक का नाम। तो इस मॉड्यूल में हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं? रीडिंग स्किल पे फोकस कर रहे हैं। तो आपने जो आपने रूब्रिक पढ़ा है, जो आपने चीज़ें पढ़ा है उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, इसको कॉन्टेस्ट को भी जीतना है। इस कॉन्टेस्ट के लिए सब प्लान बता दूँ क्या करना है, आपको सभी चीज़ें बता दूंगा। तो आप तो चलिए लेसन अपडेट टू देख लेते हैं। लेसन अपडेट टू से पहले चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पर भी जाके आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना है वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और कमेंट वास कमेंट कर ही सकते हैं आप लोग। देखिए, आप लेसन अपडेट देख लेते हैं। लेसन अपडेट क्या है? डिस्कवर आप द जॉय इन रीडिंग। तो आपको मतलब कि आपको खोजना है, मतलब कि जैसे वेन वी आर रीडिंग समथिंग वी हैव टू थिंक द हैप्पीनेस। तो ये सब चीज़ों आपको खोजना है। ठीक है, रीडिंग स्किल को इन्हेंस करना है। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी राइटिंग रीडिंग। तो आपको जो मतलब कि आइडेंटिफाई मतलब जो स्ट्रेंथ है आप अपॉर्चुनिटी पा रहे हैं उसको मतलब स्ट्रेंथ को फॉलो करना है। अपॉर्चुनिटी जो पाइए राइटिंग स्किल रीडिंग स्किल को उसको इन्हेंस करिए। ठीक है, यू हैव टू बी इन्हेंस ऑल द थिंग्स बिकॉज वी आर इन द लास्ट स्टेज एंड वी डजेंट फाइंड चांस। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आप जितना भी आप चाहिए करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला देख लीजिएगा। एक्सप्लोर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग अ बुक थ्रू गिव योर सेल्फ गूज बम्स। ठीक है, तो आपको मतलब कि जो है राइटिंग डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो मतलब कि रूब्रिक्स हैं राइटिंग स्किल के, यू हैव टू बी फॉलो ऑल द थिंग्स लाइक व्हेन वी आर राइटिंग अर्लियर वी आर लर्न द डायनेमो रूब्रिक, इन दिस रूब्रिक वी आर लर्न द सम राइजिंग एक्शन क्लाइमैक्स, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े थे। तो सब चीज़ को फॉलो करना है, डायनेमो रूब्रिक को फॉलो करना है व्हेन वी आर राइट समथिंग। ठीक है, तो अगला देखें क्या है। अगला क्या है? अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ गूजबम कॉन्टेस्ट। मतलब गूजबम कॉन्टेस्ट जो है ये लास्ट दिन आपको होगा मॉड्यूल 9 डे 8 को। लास्ट दिन आपका कॉन्टेस्ट होगा गूजबम कॉन्टेस्ट। ठीक है, ये आपके इसके प्रोसेस के बारे में समझना है, आज आप समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है देख लेते हैं। स्ट्रेंथ लैंग्वेज प्रैक्टिसिंग टेंसेस। आप टेंसेस से भी अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस से अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेक ओनरशिप आर रिसीविंग इम्प्लीमेंटिंग फीडबैक। ठीक है, तो व्हेन यू आर फाइंड द फीडबैक व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग दैट टाइम योर पीयर्स गिव यू फीडबैक, सो यू हैव टू बी इम्प्लीमेंट एंड यू हैव टू बी इनहेंस योर राइटिंग स्किल एंड ऑल्सो रीडिंग स्किल। ठीक है, सो वी हैव टू गो पार्ट बी ऑल्सो। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझा देता हूँ गूजबम कॉन्टेस्ट रूल्स। ठीक है, तो ये रूल्स हैं जो गूजबम, थोड़ा सा नॉइस है, थोड़ा नॉइस पोल्यूशन है यहाँ पर थोड़ा स्ट्रीट में, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर जो हम रहते हैं थोड़ा सा चीज़ें बताने में वो लग रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नॉइस है, तो उसको आपको मैनेज कर लीजिएगा। तो हम थोड़ा सा वॉइस को तेज कर देते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, आपका जो गूजबम कॉन्टेस्ट का रूल है, यही आपको लास्ट दिन कॉन्टेस्ट का रूल है। ठीक है, इसी को आपको फॉलो करना है। तो आपको देखिए क्या रूल्स क्या है। स्टूडेंट विल रीड अ बुक ड्यूरिंग द मॉड्यूल, मतलब इस मॉड्यूल में आप एक बुक को पढ़ेंगे। ठीक है, इस मॉड्यूल के दौरान आप एक बुक पढ़ेंगे, दैट विल बी असाइंड आप मॉड्यूल टू के दिन, आज के दिन आपको असाइंड करेंगे एक बुक को। ठीक है, ईच हाउस विल बी असाइंड ए डिफरेंट बुक टू रीड, मतलब जो आपके हाउस हैं वो मतलब असाइंड करेंगे डिफरेंट बुक, मतलब कोई एक बुक आपको मिलेगा। टीम हेल्पर को एक अलग बुक मिलेगा, टीम लॉयलिस्ट को अलग बुक मिलेगा, सभी को एक बुक मिल जाएगा। तो इस मॉड्यूल के दौरान आपको रीड करना है इस बुक को। ठीक है, तो क्या करना है, रीड को बुक करना है। तो अगला क्या है देख लेते हैं। अगला देखेंगे, दे आर एक्सपेक्टेड टू रीड मिनिमम 7 पेज इन डे। सो मतलब कि आपको 7 पेज पर डे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, टू स्कोर ए बोनस 20 पॉइंट्स। तो इसके लिए आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों देख लेते हैं। ए स्टूडेंट नीड्स टू रीड 100 पेज, मतलब कि स्टूडेंट को नीड है 100 पेज पढ़ने की, मतलब कि पूरा टोटल मिला के आपको 100 पेज पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, सो द ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही सी हैज रेड। ठीक है, तो आपको ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग को समझना है, मतलब कि जो आप पढ़ेंगे आपको पूरा अच्छे से समझना है। ठीक है, आप 7 ही पेज एक दिन में पढ़िए, लेकिन सभी चीज़ों को समझिए क्या इस स्टोरी में हुआ है। ठीक है, इससे अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आपको 20 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों देख लेते हैं। एज ए हाउस, अगला देखेंगे, एज ए हाउस स्टूडेंट विल प्रिपेयर ए 5 मिनट स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन देयर बुक। मतलब आपको मतलब कि 5 मिनट का आपको परफॉर्म करना पड़ेगा
मतलब कि रोल प्ले करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट आपको बनाना है ठीक है, आई पर हाउस को मतलब अलग अलग हाउस को बनाना है ठीक है, 5 मिनट की स्क्रिप्ट मतलब 5 मिनट ड्रामा बनाना है ठीक है। दोस्तों अगला देख लेते हैं क्या है, अगला देखेंगे दोस्तों, स्टूडेंट शुड प्रिपेयर द स्क्रिप्ट क्राफ्ट अ प्लॉट स्ट्रक्चर दैट दे हैव लर्न इन द मॉड्यूल प्रीवियस मॉड्यूल। मॉड्यूल 7 में आपने जो आपने पढ़ा था क्राफ्ट अ प्लॉट के बारे में डीएनवी रूब्रिक में, तो आपको सभी चीज़ को फॉलो करना है और जो आपने पढ़ा उसको इंप्लीमेंट करना है, प्रिपेयर करना है स्क्रिप्ट को ठीक है, स्क्रिप्ट स्टोरी को प्रिपेयर करना है और आपको प्रेजेंट करना है सबके सामने इन द फाइनल ऑफ द डे, मतलब आपको मतलब लास्ट दिन कॉन्टेस्ट के दिन ठीक है। अगला क्या है दोस्तों, देयर स्टूडेंट ड्राफ्ट स्क्रिप्ट विल बी अक्यूज यूजिंग द गूजबम्स राइटिंग रूब्रिक। तो मतलब कि जो राइटिंग रूब्रिक है वो सो दोस्तों आपको द देयर फाइनल ड्राफ्ट स्क्रिप्ट विल बी असाइंड द यूजिंग गूजबम्स रूब्रिक। तो मतलब कि फाइनल दिन आपको स्क्रिप्ट तैयार करना है वो आपको राइटिंग रूब्रिक में आपको फॉलो करना है, गूजबम्स रूब्रिक में मतलब कि सभी चीज़ को फॉलो करना है, स्क्रिप्ट तैयार करनी है, गूजबम्स रूब्रिक को फॉलो करिए ठीक है। गूजबम्स रूब्रिक क्या है मैं आपको अभी आपको बताता हूँ ठीक है, या मैंने अर्ली बता चुका हूँ। ऑन द डे फाइनल डे ईच हाउस विल बी प्रेजेंट देयर स्क्रिप्ट, मतलब फाइनल के दिन आपको जो स्क्रिप्ट तैयार करेंगे आपको प्रेजेंट करना रहेगा ठीक है। देयर स्क्रिप्ट विल बी अक्यूज फैसिलिटेटर यूजिंग बाय गूजबम्स रूब्रिक। तो मतलब गूजबम्स रूब्रिक के अनुसार आपको देयर स्क्रिप्ट को फॉलो करना पड़ेगा ठीक है, तो गूजबम्स रूब्रिक के अनुसार आपको स्क्रिप्ट को फॉलो करना पड़ेगा और जीतेंगे। अगला क्या है नोट में देख लेते हैं, नोट में क्या है, द विनिंग हाउस विल बी डिसाइडेड टू बेस्ट द सेलिब्रेशन ऑफ राइटिंग स्पीकिंग एंड डेली टास्क परफॉर्मेंस, विनिंग हाउस विल बी अवार्डेड डिस्कस सेपरेट। तो मतलब कि जो हाउस अगर इसमें जो जीतेगा वो कैसे जीतेगा उसमें आपको बता देता हूँ कि जैसे